नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका दोस्त अर्जुन और प्लम्बर माइंड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे, जब भी हम किसी नई साइट पे जाते हैं काम शुरू करने के लिए, तो वहां पे हम कस्टमर को उसकी जो लगने वाले सामान की लिस्ट है वो तैयार करके उसको देते हैं। तो बहुत से हमारे फ्रेंड है जो प्लम्बर का काम करते हैं और जो नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए समस्या एक ये आती है कि वो लिस्ट कैसे तैयार करें। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सामान की लिस्ट की। सामान की लिस्ट की जो है, पहले आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी फिटिंग के बारे में उसी सामान की, और दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ड्रेनेज फिटिंग की लिस्ट के बारे में मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइप कौन से होते हैं। फर्स्ट पाइप होता है CPVC, सेकेंड होता है UPVC, थर्ड होता है GI, फोर्थ होता है PPR और एक होता है कंपोजिट। ठीक है, ये कुछ पाइप की रेंज होती है जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है, और हर एक पाइप का हर एक अलग जगह पे यूज होता है, शायद आपको भी पता है। अगर नहीं पता, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे उसके बारे में वीडियो आपको मिलेगी। कमेंट में भी आप बता सकते हैं, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप बनवा सकते हैं दोबारा करके। यहाँ पे कोई भी एक पाइप आप लेंगे, लेकिन फिटिंग की जो लिस्ट बनेगी सभी की एक ही हिसाब से बनेगी, एक ही तरीके से बनेगी। तो दोस्तों, हमें अपनी मेटल की लिस्ट बनाने के लिए पेपर पे कुछ ऐसा कर लेना है। अगर आपके पास ब्लैंक पेपर है, कोरा पेपर जिसे रफ कहते हैं, उसमें आपको इस तरह से लाइनें कर लेनी है। अगर आपके पास लाइन वाला पेपर है तो आपको ये वाली लाइनें कर लेनी है। अब हमें क्या करना है, जो भी सामान मंगवाना है, जैसे मान लीजिए CPVC का मंगवाना है तो CPVC पे टिक कर देंगे, UPVC का मंगवाना है UPVC पे टिक कर देंगे। यहां पे हम संख्या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो सबसे ज्यादा होगा अच्छा ये कि आप प्रिंट जो होता है जहां पे, वहां पे अपनी एक बुक छपवा लें जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे CPVC, UPVC, GI, PPR सबका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। दो पेज होने चाहिए उसमें, दूसरे में होना चाहिए SWR के बारे में, उसमें अलग से मैं बता दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखवाना है मेटेरियल आइटम नेम यानी सामान का नाम। मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, और आप उसको इंग्लिश में छपवा ली ज्यादा अच्छा रहेगा। सामान का नाम इस कॉलम में आएगा, यहां पे जैसे पाइप हो गया, एल्बो हो गए, बैंड हो गए, और टी, यूनियन, ये इस तरह से इस पे हम लिख देंगे। बाकी जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नाम दे दूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पे साइज जो शुरुआत होती है वो होती है अपनी आधा इंच की। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, बहुत से लोग जो होते हैं वो इंच लिख देते हैं, फीट लिख देते हैं, या फिर फुट लिख देते हैं, तो ये ना लिखें, इससे आपकी इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है, डाउन हो जाती है, भाई इसको पता ही नहीं इंच कैसे मेंशन किया जाता है। कभी भी आप इंच लिखें, जैसे मान लें मैंने आधा लिखा है, तो उसके आगे इंच बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर की साइड में दो टिक कर देने, तो ये इंच हो गया। यहाँ पे पौना इंच, यहाँ पे दो टिक कर दिए, एक इंच फिर दो टिक कर दिया, सवा इंच 1/4 लिखने के बाद यहाँ पे टिक कर दिया, ये सॉरी 1.5 इंच करने वाला था मैं इसको, ये मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कर दिया, ये यहाँ पे 2 इंच कर दिया। आगे साइज जो होगी वो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉमन आपके रहेंगे, जैसे ये साइज कुछ एक्स्ट्रा छोड़ दी, और यहाँ पे आपको लिख लेना है आधा इंच इंटू 1 इंच। ये रेड्यूसर के लिए हो सकता है, ये बुश के लिए हो सकता है, और भी कोई चीजें हैं जैसे बुश टी आती है उसके लिए भी ये साइज हो सकता है, ये भी आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पाइप लेके आने हैं, तो पाइप आपको आधा इंची में भी चाहिए, पौना में भी चाहिए, 1 इंची में भी चाहिए, सवा इंची में भी चाहिए, 1.5 में और 2 में भी चाहिए, और आगे भी आपको हो सकता है तो 2.5 इंच, 3 इंच में भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने इंच का सिंबल बता दिया, डबल डॉट ऊपर कर देना है। लेकिन पाइप या मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे 10 फीट पाइप चाहिए तो आप लिख देते हैं 10 फीट, ये नहीं लिखना, इससे थोड़ा सा अजीब लगता है।
आप यहां पे आइए, यहां पे 10 लिखिए और ऊपर एक टिक लगा दीजिए। एक टिक का मतलब होता है फीट में और डबल टिक का मतलब इंच में। तो पाइप 10 फीट आपको आधा इंच में चाहिए, पौना इंच में मान लीजिए आपको नहीं चाहिए तो यहां पे आप खाली छोड़ देंगे। एक इंच में अगर आपको चाहिए 20 फीट पाइप तो 20 लिखा, यहां पे टिक लगा दिया। फिर सवा इंच में आपको जितना भी चाहिए यहां पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहां पे 40 फीट मेरे को चाहिए, सॉरी 40 फीट के लिए सिंगल टिक। डेढ़ इंच में आपको नहीं चाहिए, दो इंच में मान लीजिए 10 फीट आपको पाइप चाहिए। तो ये हो गई पाइप, यहाँ पे सभी साइज के पाइप यहाँ पे आ गए हैं अपने। अब लिखना एल्बो। एल्बो आपको हर एक चीज में चाहिएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 5 एल्बो चाहिए तो टिक नहीं लगाना है आपको, सिर्फ 5 लिख देना है। पौना इंच में अगर आपको 2 चाहिए तो 2 ही लिखना है, कोई भी आधा इंच का टिक नहीं, सॉरी इंच और एक फीट वाला कोई भी टिक नहीं लगाना है यहाँ पे। ऐसे ही एक इंच में अगर आपको 4 एल्बो चाहिए, सवा इंच में आपको 5 चाहिए या फिर डेढ़ इंच में आपको नहीं चाहिए, 2 इंच में मान लीजिए 1 चाहिए, तो इस तरह से हम लिखेंगे। सिर्फ आगे एल्बो के बाद में अगर बैंड होता है जो लंबी वाला होता है, बैंड में भी अगर आपको पीस बहुत कम चाहिए होते हैं लेकिन चाहिए उस हिसाब से आप साइज के नीचे लिख सकते हैं। टी यहाँ पे सभी में लगभग टी चाहिएगी, तो साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, टी के आगे जाएंगे इस कॉलम में आपको क्वांटिटी लिखनी है। 5 टी मेरे को आधा इंच में चाहिए, पौना इंच में नहीं चाहिए, 1 इंच में मेरे को 2 टी चाहिए, सवा इंच में मुझे नहीं चाहिए और डेढ़ इंच में मुझे 1 टी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। यूनियन में अगर हम बात करें तो यूनियन आधा इंच की हो सकता है, आपको 1 चाहिए, पौना इंच में नहीं चाहिए आपको, 1 इंच के अंदर 2 चाहिए, सवा इंच में भी नहीं चाहिए, डेढ़ इंच में भी नहीं चाहिए और 2 इंच में आपको 1 यूनियन चाहिए। इसी तरह से आगे आप सॉकेट की बात करते हैं, तो सॉकेट जो है आपको आधा इंच में 10, पौना इंच में 10, 1 इंच में 10, सवा इंच में 5, डेढ़ इंच में 2, 2 इंच में 3, इस तरह से आप क्वांटिटी लिख देंगे। आगे यहां की जो लिस्ट रहेगी, जो नाम होते हैं मटेरियल का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। और सीपीवीसी यूपीवीसी पे अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल की इमेज के साथ में हमें पता चले कि कौन सा नाम किस मटेरियल का है, तो मेरी कुछ वीडियो है उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां पे आप जाके अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। और ये मैंने इसलिए लिखा है, मान लीजिए आर टी रेड्यूसर टी, ठीक है, आर ई डी यू एस या रेड्यूसर, यहां पे मेरे को इसमें कुछ में किसी में नहीं लिखना है। अब ये रेड्यूसर के नीचे आ गए हम, अगर आधा बाई 1 इंच का रेड्यूसर हमें टी चाहिए तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे 2। अगर आपको रेड्यूसर चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मुझे 1 रेड्यूसर चाहिए तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। इसके बाद में और साइज कौन सी होगी, 1 इंची बाय डेढ़ इंची, ये रेड्यूसर की भी साइज आती है, टी की साइज भी आती है। तो जो इंटू में होगा वो आप आगे खुद हाथ से लिख सकते हैं, उसके लिए आप जगह छोड़ लीजिए, लेकिन 10 से 5 कॉलम आप इस तरह से बनवा लीजिए, एक पूरा कॉलम इस तरह से बनवा लीजिए। यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ क्वांटिटी देनी है जो इस पोर्शन में आपको देनी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल के साथ में हमेशा बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगी वीडियो के नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसी वीडियो के साथ साथ और भी बहुत सी जानकारी होंगी इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।